हेलो दोस्तों, ए ब्रेन चार्जर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी। आज हम बात करेंगे कि क्या आप शॉपिंग करते हुए अमीर बन रहे हैं या गरीब बन रहे हैं। जी हां, आप शॉपिंग करते हुए अमीर बन रहे हैं या गरीब बन रहे हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो काम करेगी वह है ये बुक प्रोज्यूमर पावर बाय बिल क्वेन। इस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं हम आज, और हम सीखेंगे कि कैसे आप शॉपिंग करते हुए अमीर बन सकते हैं। तो सबसे पहले इस बुक को जानने से पहले हम बातचीत करते हैं कुछ चंद सवालों की, जिनकी आप अपने मन में अपने जीवन के हिसाब से आंसर देने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में इस बुक के बारे में बात करेंगे, और थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे इस बुक से मिलने वाली एजुकेशन के बारे में, जिससे आप सीख सकते हैं कि कैसे आप शॉपिंग करते हुए अमीर बन सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि क्या आपने कभी कोई स्टोर से परचेजिंग की हो और वहां पे आपको डिस्काउंट मिला हो? क्या आपको वाकई में डिस्काउंट मिला था, या आपको सिर्फ एक चारा डाला गया था कि आप आइए और हमसे प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदिए, और वो आपको जरूरत भी नहीं थी फिर भी आपने चीजें खरीदी? पहला सवाल, क्या आपको वाकई में छूट मिली थी? दूसरा सवाल, क्या किसी छूट देने वाले स्टोर ने आपको अपना बिजनेस पार्टनर बनाने की पेशकश की थी? तीसरा सवाल, क्या आपके किसी मनपसंद स्टोर जहां से आप जनरली शॉपिंग करते हैं उसने कभी आपको धन दिया? क्योंकि जनरली आप उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों को बताते हैं, मार्केट करने में उसको हेल्प करते हैं, क्या उसने आपको कभी अर्निंग करने का मौका दिया? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। इस बुक के रिव्यू में हम जानेंगे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि क्या आप किसी स्टोर के अगर ओनर होते तो क्या आप अपने स्टोर से परचेज करते, या किसी और के स्टोर से परचेज करके उसको अमीर बनाते? हमारा पांचवा क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपने खर्च से ई कॉमर्स बिजनेस बना रहे हैं जो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या कमाई के बहुत सारे अवसर देगा, या आप दूसरों को ही अमीर बना रहे हैं? तो ये थे पांच इंपॉर्टेंट सवाल, जिनका आप अपने मन में आंसर दीजिए। इन सवालों के जवाब हम इस रिव्यू में देने वाले हैं, वहां पे आप जान सकते हैं कि कैसे आप शॉपिंग करते हुए अमीर बन सकते हैं। तो वो बुक है प्रोज्यूमर पावर बाय बिल क्वेन। बिल क्वेन के बारे में हम जान लेते हैं। ये मार्केटिंग के प्रोफेसर हैं, PhD हैं, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को एजुकेट किया है फाइनेंशियली फ्री होने में, पैसा अर्न करने में, और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डिजाइन करने में। तो ये बिल क्वेन आपके सामने है, यह है बिल क्वेन जो बुक पे भी लिखा हुआ है। तो बिल क्वेन बहुत अच्छे लेखक हैं, क्योंकि उन्होंने एक शानदार स्वीट एंड शॉर्ट बुक लिखी है जो आपको शॉपिंग करते हुए अमीर बनाने में हेल्प कर सकती है। वैसे तो ये बुक बहुत ही छोटी सी स्वीट सी है, और डिजाइन भी इसका आपको लग रहा होगा, यहाँ पे प्रोज्यूमर पावर, और यहाँ पे अब लिखिए कि आप विवेकशील समझदारी से खरीदारी करते हुए कैसे अमीर बन सकते हैं। इस बुक के जो ट्रांसलेशन में बहुत सारी गलतियाँ मेरे को मिली, बहुत सारी गलतियाँ हैं, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी लेकिन इम्प्रूव नहीं हुई। कुछ डाटा और फिगर पुराने हैं, लेकिन ये अभी भी मार्केट में व्यवहारिक है, और ये कुछ चीज़ें भविष्य के हिसाब से बताती है जो अभी पॉसिबल नहीं हो पाया है, आने वाले भविष्य में वो पॉसिबल होगा। ये बुक उस तरफ भी इशारा करती है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताती है कि कैसे आप छूट के चक्कर में, शॉपिंग करने के चक्कर में अपना एक्सेस जो पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा वेस्टेज करते हैं, और आपको कुछ भी ज़्यादा आर्थिक उसमें सफलता नहीं मिलती। आप सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आप पैसा बचा रहे हैं लेकिन आप पैसा व्यर्थ कर रहे हैं, उसके बारे में बुक बताती है। इसमें अच्छी अच्छी स्टोरीज दी हुई है, बहुत सारे फिगर दिए हुए हैं, बहुत सारे ग्राफ के द्वारा इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है, जिनको आप पढ़ के समझ सकते हैं कि कैसे आप शॉपिंग करते हुए अमीर बन सकते हैं, या कैसे आप छूट पे ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करके, छूट के चक्कर में ज़्यादा नहीं जाके अपने पैसे को बचा सकते हैं। देखिए, इस बुक के जो टाइटल है उसी से आपको कुछ चीज़ें क्लियर होती है। प्रोज्यूमर पावर, प्रोज्यूमर पावर में इसमें मतलब क्या है? देखिए, एक तो होता है प्रोड्यूसर, यानी जो उत्पादक होता है, जो चीज़ों को उत्पादित करता है, चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो उत्पादक होता है। एक होता है कंज्यूमर, कंज्यूमर जो हमेशा प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदता है और हमेशा ठगा जाता है। तो अगर हम उत्पादक और कंज्यूमर को मिला दें, यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को मिला दें, तो वो होता है प्रोज्यूमर, यानी वो अपनी शॉपिंग करते होते अपनी चीज़ों को, अपनी जो जो उसकी काबिलियत है, यानी लोगों को चीज़ें बताने की, एक्सप्लेन करने की, लोगों को तारीफ करने की, उस चीज़ का यूज़ करते हुए वो चीज़ों को प्रोज्यूम कर सकता है। प्रोज्यूम यानी वो एक तरह से प्रोड्यूसर का एक सहयोगी रूप में काम करता है, और साथ में अपने घरेलू खर्चे को यूज़ करते हुए अपना बिजनेस बिल्ड कर सकता है।
तो इस तरह से ये बुक बहुत ही शानदार स्टोरी एग्जाम्पल और टिप्स के साथ लिखी गई है, शॉर्ट एंड स्वीट है, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। अब हम जानते हैं इस बुक की शिक्षाओं के बारे में कि बुक आपको क्या शिक्षा देती है और वो पांच सवालों के जवाब जिनको आप जान के समझ सकते हैं कि कैसे आप शॉपिंग करते हुए अमीर बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमने सवाल किया था कि क्या वाकई में आप जब शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको छूट मिलती है, तो क्या आप वाकई में छूट पाते हैं या ठगे जाते हैं या आपको एक चारा आपको दिया जाता है। हमें जनरली लगता है कि आज जो कंज्यूमर का युग है, उपभोक्ता का युग है, आज जो बड़े बड़े ऑनलाइन स्टोर हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, बहुत सारे डिस्काउंट स्टोर हैं, वो डिज़ाइन किए गए हैं, इससे बहुत सारे कंज्यूमर को अच्छा फ़ायदा हो रहा है, उनका पैसा बच रहा है, उनको सुविधाएं मिल रही है। लेकिन रुकिए, क्या वो जो डिस्काउंट स्टोर है या डिस्काउंट देने के लिए जो चीज़ें बनाई हुई है, क्या वो आपको अमीर बनाने के लिए बनाई है, या जो स्टोर ओनर है, चाहे ऑनलाइन हो सकता है चाहे ऑफलाइन हो सकते हैं, उसको अमीर बनाने के लिए बनाई गई है? आपको इस पर विचार करने की जरूरत है। आप जब भी शॉपिंग करते हैं तो कोई ना कोई आपको डिस्काउंट मिलता है, उस चक्कर में आप बहुत ज़्यादा परचेजिंग करते हैं, आपका पैसा वेस्ट होता है, और शॉपिंग करने के चक्कर में आप एक स्टोर से दूसरे स्टोर, एक ऑनलाइन स्टोर से दूसरे ऑनलाइन स्टोर चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिससे कि आपका समय भी व्यर्थ होता है। तो ओवरऑल मिला के आप जब शॉपिंग करते हैं डिस्काउंट पे, आपको नुकसान ही होता है। कैसे, समझने की कोशिश कीजिए कि आपने अगर कोई 100 रुपए की चीज आपको 40 रुपए डिस्काउंट मिल रही है, तो आप सोचते हैं कि 100 रुपए की चीज 40 रुपए डिस्काउंट मिलके मुझे 60 रुपीज यानी 60 रुपए मिल रही है, तो मुझे खरीद लेनी चाहिए। लेकिन आप एक चीज देखिए, आपको 40 रुपए छूट नहीं मिली है, आपका वो 60 रुपए गया है। आपको लगता है कि आपने 100 रुपए की चीज 60 रुपए में खरीदी है, 40 रुपए छूट मिल चुका है, लेकिन 40 रुपए छूट नहीं मिलके आपके जेब से 60 रुपए निकाला गया है। ओवरऑल देखिए, आपकी जो संपत्ति है, आपकी जो पूंजी है, उसमें से 60 रुपए कम हो चुके हैं, आपके जो जमा पूंजी है उसमें से 60 रुपए की सेन लग चुकी है। कई बार होता है हम शॉपिंग करते हैं तो एक के साथ एक फ्री बिस्किट, नमकीन, कुछ भी हम XYZ खरीदते हैं, तो वो जनरली एक कंज्यूम ही तो करेंगे, उसके बाद में उसका क्या होने वाला है किसी डिस्काउंट के रूप में, तो आपको ओवरऑल नुकसान ही होता है। ओवरऑल आपकी पूंजी जो आपकी संपत्ति है उसमें कुछ न कुछ पैसा कम ही होता है। देखिए, जैसे हमें नौकरी करने की शिक्षा बचपन से दी जाती है कि नौकरी कीजिए, वैसे ही हमें छूट पाने की शिक्षाएं भी बचपन से ही मिलती है कि जहां ज्यादा छूट मिल रही है, जहां ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है, वहां आप परचेजिंग कीजिए। इस छूट के चक्कर में जैसे हम नौकरी बदलते हैं, वैसे ही हम इस छूट के चक्कर में, पैसा बचाने के चक्कर में, हम एक स्टोर से दूसरे स्टोर में जाते हैं, अननेसेसरी खरीदारी करते हैं, अननेसेसरी अपने टाइम का वेस्टेज करते हैं। हम अपनी सोच को नहीं बदल के सिर्फ स्टोर या सिर्फ नौकरियां बदलते हैं, जबकि हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। अगर हम सोच को बदलने में कामयाब रहे तो उसी खर्चे से हम बहुत अच्छा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे, आगे हम इस बुक के रिव्यू में और जानकारी लेंगे उसके बारे में। यानी आपको डिस्काउंट पर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, आपको लालच दिया जाता है और आपको चारा डाला जाता है जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करें, ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें, और अपना जो खून पसीने की कमाई है वो आप जो स्टोर ओनर है, जो ऑनलाइन स्टोर ओनर है, उनको दे दीजिए। ये एक सिंपल सा मार्केट का फंडा है। देखिए, जो संपत्ति होती है वो आपकी जेब में पैसा डालती है, जबकि आपकी जो लायबिलिटीज है वो आपकी जेब से पैसा निकालती है। तो आपको संपत्ति और यानी आपके जो असेट्स हैं और जो आपकी लाइबिलिटीज हैं यानी आपकी देयताएं हैं, उनमें आपको अंतर समझना पड़ेगा। यानी जो भी चीज आपके पॉकेट में पैसा डाल रही है वो आपकी संपत्ति है, और जो चीज आपके पॉकेट से पैसा निकाल रही है वो आपका देयताएं हैं, आपका खर्चा है, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी संपत्ति में शेयर लगाता है। तो देखिए, डिस्काउंट जब मिलता है तो क्या आपकी जेब में पैसा आता है या आपकी जमा पूंजी में से कुछ पैसा निकाल लिया जाता है? अगर निकाल लिया जाता है तो वो आपको सोचने की जरूरत है कि वहां पर आपकी कमाई नहीं हो रही है, वहां पर अमीर नहीं बनने वाले, सिर्फ आप खुश हो सकते हैं कि मुझे इतना छूट मिल चुकी है। देखिए, अमीर लोग होते हैं वो संपत्ति फोकस करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, देयताएं हैं, वो ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उसको काम की भी नहीं होती है या जो उसके जेब से बार बार पैसा निकाल देते हैं। वो जल्दी से जल्दी गाड़ी लेके आते हैं, वो जल्दी जल्दी मोबाइल, ऐसी चीजें, कंज्यूमेबल चीजें लेके आते हैं, जो कपड़े हो सकते हैं, जिनसे वो अपने पैसे को अगर आप देखें तो ऐसी जगह डाल देते हैं जहां से उसको संपत्ति बनाने का अवसर वो खो देते हैं। तो आपको एक उत्पादक के जैसे सोचना पड़ेगा कि एक फैक्ट्री ओनर, एक मालिक, एक प्रोड्यूसर जो है वो कैसे सोचता है, वो कैसे काम करता है, उसकी तरह आपको सोच को बिल्ड करना पड़ेगा, न कि आपको सिर्फ डिस्काउंट के चक्कर में भागना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे बातचीत करते हैं कि जो उपभोक्ताओं का प्लान है, उपभोक्ताओं के दिमाग में क्या होता है और उत्पादक के दिमाग, जो प्रोड्यूसर है उसके दिमाग में क्या होता है। उपभोक्ता हमेशा पैसा खर्च करता है और उत्पादक उस खर्च किए हुए पैसे से पैसा कमाता है। दूसरी चीज, उपभोक्ता होता है वो नौकरी करता है हमेशा, और उत्पादक होता है वो अपनी कंपनी का मालिक होता है। ये चीज आप देख चुके होंगे कि क्या उत्पादक है और क्या उपभोक्ता है।
उपभोक्ता होता है वो सीमित वेतन पाता है, उसका फिक्स वेतन होता है, जबकि उत्पादक है वो असीमित आमदनी अर्न करता है अपनी फैक्ट्री, अपने काम धंधे से, अपने बिजनेस से। उपभोक्ता होता है वो भारी कर्जे में रहता है, हमेशा ईएमआई पे ही जीता है। और दूसरा जो उत्पादक होता है वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होता है, उसके कुछ होने या उसके पर्टिकुलर एक छोटे मोटे काम के कुछ होने से उसके आर्थिक भविष्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, अगर वो रियल में बिजनेसमैन है, सेम एम्प्लॉयड नहीं होकर वो बिजनेसमैन है। तो जो उपभोक्ता होता है उसकी जो विचारधारा होती है वो पुरानी होती है, यानी वो सिर्फ बचत से ही अमीर बनना चाहता है, जबकि जो उत्पादक होता है वो नई आर्थिक विचारधारा रखता है, यानी वो नए नए बिजनेस, नए नए तरीके, नई नई टेक्नोलॉजी आजमा के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है। जो उपभोक्ता होता है वो अपनी लाइबिलिटीज पे ज्यादा फोकस करता है, वो गाड़ी लाता है, फिर गाड़ी में बार बार पेट्रोल डलाता है, जिससे उसका जो जमा पूंजी है वो खर्च होती जाती है, वो जल्दी अपने शौक पालता है और शौक को पूरा करने की कोशिश करता है। तो कुल मिला के वो दायित्व खरीदता है, जबकि जो उत्पादक है वो हमेशा संपत्ति पर फोकस करता है, वो संपत्ति लेता है कि इस काम से मुझे और कैसे पैसा आ सकता है, उन चीजों पर वो ज्यादा फोकस करता है। उपभोक्ता हमेशा अल्पकालीन बचत पर ध्यान देता है, जबकि उत्पादक दीर्घकालीन संपत्ति अर्जन में ध्यान देता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उपभोक्ता और उत्पादक यानी जो कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर है, उनके जीवन मूल्यों में अंतर होने की वजह से ही उनके आर्थिक भविष्य पे और उनके जो भी जीवन में वृद्धि है, जिनमें जीवन में तरक्की है, उस पर फर्क पड़ता है। तो इस तरह से आपको एक उत्पादक की तरह सोचना चाहिए, न कि एक उपभोक्ता की तरह। उत्पादक की जिसे आप सोचेंगे तो आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं और बहुत अच्छी संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन, वो था क्या किसी उत्पादक ने या जहां से आप स्टोर से आप परचेजिंग कर रहे थे जो मालिक था, उसने कभी आपको क्या अमीर बनने के लिए पेशकश की, अपना पार्टनर बनाने की पेशकश की? जाहिर सी बात नहीं की होगी, कुछ आपको चंद पैसे बचाने की वो लालच देके और ज़्यादा आपसे खरीदारी कराते हैं, जबकि आपको अपना पार्टनर बनाने की वो फैसिलिटी नहीं देते। अब आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मैं किसी कंपनी का, किसी बिजनेस का पार्टनर बन सकता हूँ, क्या मैं जो खरीदारी करता हूँ उसको प्रमोट करके पैसा कमा सकता हूँ? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। मैंने इस बुक के रिव्यू, घरेलू स्वर्ण हाउस होल्ड गोल्ड बुक का जो वीडियो बनाया था, रिव्यू किया था, उसमें मैंने बताया था कि क्या तरीके हो सकते हैं जिससे आप घरेलू जो शॉपिंग करते हैं उससे अमीर बन सकते हैं। उस बुक जो वीडियो है उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देखिए। इस बुक का जो रिव्यू है वो जरूर देखिए, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ों को पता चलेगा। तो अब मैं चीज़ बताता हूँ सिंपल तरीके से। देखिए, आप जो भी चीज़ें खरीदते हैं या परचेजिंग करते हैं तो एक प्रोग्राम होता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में आप किसी को भी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच के उसे पैसा कमा सकते हैं। एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं, रेफरल प्रोग्राम होते हैं, जिनमें आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसको लोगों को मार्केट करते हैं, उसको बताते हैं, जो भी परचेजिंग होती है उस पर आपको सर्टेन परसेंटेज मिलता है। लेकिन इस तरह के किसी भी प्रोग्राम की कुछ बाउंडेशन होती है, उसमें आप एक्सपोनेंशियल से ग्रोथ नहीं हासिल कर सकते और कुछ समय बाद में प्रोग्राम बंद हो जाते हैं जब कंपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जिसके बारे में मैंने घरेलू स्वर्ण जो वीडियो है उसमें डिटेल से थोड़ा बताया है। गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप में आप एक कंपनी, एक ओनरशिप होती है, जो एक मैन्युफैक्चरर होता है उससे आप टाई अप करते हैं कि आप हमें प्रोडक्ट दीजिए, कुछ डिस्काउंट में हमें दीजिए, तो आप वहां से जो भी परचेज करते हैं उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो आप जो घरेलू यूज चीजें काम में लेने उस पर छूट मिल जाती है। दूसरा, अगर वो प्रोडक्ट और सर्विसेज आप लोगों को बताते हैं तो उसके भी आपको सर्टेन परसेंटेज मिलता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो सेल करते हैं, किसी को बताते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से, उसके अलावा आप ऐसे लोगों को हायर करते हैं, ऐसे लोगों को अपनी टीम में लेते हैं जो इस तरह का काम करके रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, तो उनको आप अपनी टीम में शामिल करके उनको ट्रेन कर सकते हैं, उनको एम्पावर कर सकते हैं, वो जितना टर्नओवर करते हैं उस पर भी आपको परसेंटेज मिलता है। तो इसको बोलते हैं गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप। ये प्रोग्राम आज 21वीं सदी का सबसे बेस्ट प्रोग्राम है और आने वाले समय में बहुत सी कंपनियां इस चीज को डिजाइन कर रही है, अपने बिजनेस में देख रही है कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके वो आगे बढ़ सकती है। तो आप जो भी शॉपिंग करते हैं तो आप देखिए कि जो आप शॉपिंग कर रहे हैं, जो अपने डेली लाइफ में कंज्यूमेबल चीजें लेके आ रहे हैं, क्या वो आपका जो स्टोर ओनर है आपको पार्टनरशिप दे रहा है? आपको नहीं दे रहा है तो आपको सोचने की जरूरत है, ऐसे पार्टनर को आपको ढूंढने की जरूरत है जो आपको मिल सकता है। हम ऐसे पार्टनर को ढूंढने में आपकी मदद कर सकते हैं। मैं नीचे इस वीडियो के नीचे एक फॉर्म दे रहा हूँ, उसको फॉर्म को आप फिल कर दीजिए, कुछ जानकारियां भर दीजिए, फिर मैं आपको कम्युनिकेट करूंगा और कम्युनिकेट करके आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे ऐसा हो सकता है। अगर मेरी बात आपको जेन्युइन लगती है तो आप उस कॉन्सेप्ट पे हमारे साथ काम कर सकते हैं, अगर नहीं लगती है तो आप जैसा जी रहे हैं वैसा जीते रहिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
थर्ड इम्पोर्टेंट सवाल हमारा ये था कि क्या आपने कभी किसी स्टोर से परचेजिंग की और उस स्टोर की तारीफ की कि ये स्टोर बहुत अच्छा है, यहाँ की प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छी है, मैंने यहाँ से परचेज किया, और आपने दोस्तों को रिश्तेदारों को वहाँ से परचेज करवाते हैं, क्या आपको कभी वहाँ से कोई कमीशन मिला, क्या आपको वहाँ पर कोई पैसा मिला? अगर नहीं मिला तो आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है, तो आपको ये चीज़ सोचने की जरूरत है कि कैसे आप उन चीजों से जो आप खुद यूज कर रहे हैं, साथ में अपने जानकार रिश्तेदार दोस्तों को प्रमोट कर रहे हैं, जाने अनजाने में भी कर रहे हैं, तो भी आप वहां से पैसा बना सकते हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि अपने सेकंड क्वेश्चन में जाना कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के द्वारा, तो जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है उसमें मैं ये कहना चाहूंगा, और जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोज्यूमर, इस प्रोज्यूमर वर्ड का मतलब समझिए। प्रोज्यूमर क्या मतलब होता है? एक तो कंज्यूमर, एक होता है प्रोड्यूसर, यानी जो उत्पादक है और जो उपभोक्ता है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वो होता है प्रोज्यूमर, जो इस बुक का टाइटल भी है, प्रोज्यूमर पावर। देखिए, उत्पादक का काम होता है चीजों को मैन्युफैक्चरिंग करना, रिसर्च करना, उनको ट्रांसपोर्ट करके लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना, ये एक उत्पादक का रोल होता है। कंज्यूमर का रोल होता है चीजों को खरीदना और उनको यूज करना और जाने अनजाने में उन चीजों को प्रमोट करना। तो आप जो एक कंज्यूमर हैं वो आप अपनी चीजों में एक्सपर्ट हैं, प्रोड्यूसर हैं या जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी चीजों में एक्सपर्ट है। अगर इन दोनों चीजों को मिला दिया जाए और प्रोज्यूमर आपको बना दिया जाए, तो आप एक प्रमाणित उत्पादक या मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनको अपने यूज करते हैं, उस पर आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है, साथ में आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों को अगर प्रमोट करते हैं वो चीज, तो आपको बहुत अच्छी एक रेफरल फीस मिल सकती है, और साथ में आपके दोस्त या रिश्तेदार जो आपके जैसे ही प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं और वो भी लोगों को रेफर करना चाहते हैं, तो आप उनको भी रजिस्टर करके इस तरह के प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। तो आपको ढूंढने होंगे ऐसे प्रोग्राम जो ऐसा मौका दे रही है, आपको अपना बिजनेस बनाने का मौका दे रही है, न कि कुछ सर्टेन अमाउंट, जे कि आपने जब गूगल पे इंस्टॉल किया होगा, जब फोन पे इंस्टॉल किया होगा, जब कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया होगा जो पैसे संबंधित लेन देन करता है या शॉपिंग करता है, तो वो आपको कहीं ना कहीं चीज को रेफर करने की कुछ आपको पॉइंट देता है, कुछ आपको पैसा देता है, कुछ कैशबैक देता है, लेकिन वो चीज परमानेंट नहीं होती। वो जब एप्लीकेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है वो आपके परसेंटेज कम होते जाते हैं, साथ में आप वहां पे टीम नहीं बना सकते, यानी आप अपने जैसे सेलर जो आप लोगों को प्रमोट कर रहे हैं वैसे टीम नहीं बना सकते, उनको भी आप सिखा नहीं सकते, क्योंकि आप जितना करेंगे उतना ही आपको पैसा मिल जाएगा, आगे जो करेगा उसको उसके हिसाब से मिलेगा, यानी आप अपनी टीम ऑर्गेनाइजेशन और अपना नेटवर्क नहीं बना सकते। जबकि गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिनमें आप शामिल होकर अपनी टीम और अपना एक बिजनेस बना सकते हैं, अपना नेटवर्क बना सकते हैं। जितना आपका नेटवर्क ग्रोथ करेगा एज ए कस्टमर, जितने आपके ज्यादा कस्टमर ग्रोथ करेंगे, जितने ज्यादा आपके जैसे डिस्ट्रीब्यूटर या आपके जैसे जो एक तरह से फ्रेंचाइजी ओनर है, एक तरह से जो मार्केटिंग करने वाले, रेफर करने वाले लोगों की टीम है, वो जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, जितना वो टर्नओवर करेगी, उस पे आपको रेवेन्यू मिल सकता है। वो इस बुक में छोट में बताया गया कि कैसे वो पॉसिबल हो सकता है, वो इसी तरह पॉसिबल हो सकता है जैसे हमने आपको बताया है। जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बातचीत की थी कि क्या एक कंज्यूमर होता है या एक उपभोक्ता होता है, क्या एक प्रोड्यूसर यानी जो मैन्युफैक्चरर होता है वो क्या होता है, उनमें क्या उनकी सोच में क्या अंतर होता है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हम जानते हैं कि उत्पादक जो मैन्युफैक्चरर होता है उससे भी एक नेक्स्ट लेवल आगे चल के हम जानते हैं प्रोज्यूमर क्या होता है, यानी जो उत्पादक है और प्रोज्यूमर है उसमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे आप एक मैन्युफैक्चरर से या उत्पादक से ज्यादा बड़ा काम एक प्रोज्यूमर बनकर कर सकते हैं, और उसमें क्या खास बात होती है, क्या वहां पर आपको सहूलियत मिलती है, उनके बारे में जानते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आ रही है कुछ टेबल जिसपे आपको जानकारी मिल रही है कि क्या होता है एक उत्पादक और क्या होता है एक प्रोज्यूमर। देखिए, जो उत्पादक होता है उसके पास कर्मचारी होते हैं, वो उसके पास स्टाफ होता है जो काम करता है, जबकि प्रोज्यूमर के पास कोई कर्मचारी नहीं होते। हाँ, उसकी टीम होती है लेकिन उसको किसी को सैलरी नहीं देनी पड़ती, वो जितना काम करेंगे उसके हिसाब से जो उत्पादक है या जिससे उसने एसोसिएटेड है, जिसके साथ वो काम कर रहा है, वो उसको ऑटोमेटिक वो पे कर देगा, तो आपको किसी कर्मचारी का या वर्क लोड लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो उत्पादक है, मैन्युफैक्चरिंग अगर आपको यूनिट लगानी है तो आपको बहुत भारी खर्चा करना पड़ेगा, बहुत पैसा लगा के अपना स्टार्टअप को रन करना पड़ेगा, और जो प्रोज्यूमर होता है उसमें आपको कम लागत में भी आप अपना बिजनेस बना सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो आप खर्चा कर रहे थे आप एक प्रमाणित उपभोक्ता से टाइप करके उससे परचेज करने लगते हैं, उसी की चीजों को रेफर करने लगते हैं, इसी में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, यानी आप सिर्फ अपने शॉप को चेंज कीजिए और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है उत्पादक के पास हमेशा एक ऑफिस होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है जिसके द्वारा प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो कि प्रोज्यूमर होता है उसका पास कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, कोई गोदाम की जरूरत नहीं है, उसका घर ही उसका बिजनेस का एक सेंटर पॉइंट होता है जहां से वो चीजों को ऑपरेट करता है। जो उत्पादक होता है उसके पास
चीजों को मार्केट करने के लिए एक वेबसाइट चाहिए, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चाहिए, तब जाके हो सकता है। उसके बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा ब्रांड की लॉयल्टी चाहिए। जबकि एक प्रोज्यूमर के रूप में अगर आपको काम करना है तो आपके पास तीन ही चीजें होनी चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन, एक आपके पास स्मार्टफोन और तीसरा आपका पैशन और जुनून, जिसके द्वारा आप अपने के लोगों की एक कम्युनिटी बना सकते हैं और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को वहां पे प्रमोट कर सकते हैं स्मार्टली। जो उत्पादक होता है उसको अपनी चीजों को मार्केट करने के लिए बहुत बड़े विज्ञापन, बहुत बड़ी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसियां उनको हायर करना पड़ता है, बहुत सारे एडवर्टाइज चलाने पड़ते हैं, यानी उनका एडवर्टाइजिंग का बजट बहुत बड़ा होता है। जबकि जो प्रोज्यूमर होता है उसमें इंसान अपने लोगों को मौखिक रूप से तारीफ करके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बता के वो चीजों को एडवर्टाइज करता है, संदर्भित करता है, रेफर करता है, तो उसको बहुत ज्यादा कोई बड़ा बजट नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा बड़े सेलिब्रिटीज नहीं चाहिए जिनके द्वारा वो चीज को करे। वो खुद ही एक तरह से सेलिब्रिटी होता है क्योंकि वो खुद वो चीजों को काम ले रहा होता है और उस चीजों को प्रमोट कर रहा होता है। सिक्स नंबर जो डिफरेंस है वह है जो मैन्युफैक्चर होता है, उत्पादक होता है, उसमें जो प्रॉफिट होता है उसका बंटवारा जो शेयर धारक होते हैं, जो पार्टनर होते हैं, उनमें बढ़ता है। जबकि प्रोज्यूमर में आप अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो आपका जो मुनाफा है उसमें आपको किसी को हिस्सेदारी देने की जरूरत नहीं है। जबकि आप दूसरे को लोगों को जो इस चीज में इंपावर करते हैं तो उनके जो जो काम करते हैं उसमें से भी कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलता है, तो आपका पैसा आपके पास रहता है। आप जितनी मेहनत करते हैं उसके हिसाब से आपका सर्टेन परसेंटेज रहता है जो आपको मिल जाता है। आपको मिलने के बाद में किसी भी कर्मचारी को, किसी भी अपने पार्टनर को देने की जरूरत नहीं है, वो सारा पैसा आपका है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं और उसका अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए या अपने आर्थिक सफलता के लिए, अपने आर्थिक आजादी के लिए उसको यूज कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे आराम की चीजें खरीद सकते हैं। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था वो ये था कि क्या आप अपने स्टोर के मालिक होते तो क्या किसी दूसरे के स्टोर से खरीद रहे होते, उसको अमीर बना रहे होते, या आप अपने स्टोर से खरीदते? तो इस क्वेश्चन का इस बुक में आंसर ये दिया है कि आप जो भी परचेजिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, वो एक तरह से आपका स्टोर ही होता है। आप एक उत्पादक से या एक मैन्युफैक्चरर से टाई अप करते हैं, उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप खरीदते हैं जो आप मार्केट में ऑलरेडी खरीद रहे थे। अगर वो खरीदना स्टार्ट करते हैं तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, यानी आप उत्पादक आपको एक वेबसाइट देता है, एक जगह देता है, प्लेटफॉर्म देता है जहां से आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं और वहां से आप अपने लोगों को अपने कोड के द्वारा, अपने रेफर कोड के द्वारा उनको, अपने कस्टमर को और अपने बिजनेस पार्टनर्स को रजिस्टर करते हैं, तो वहां उस प्लेटफॉर्म के द्वारा जो सेल होती है उसको आपके कोड के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि किस आदमी ये सेल करवाइए, उस पे आपको परसेंटेज मिलता रहता है। तो आप देखिए कि अगर आप उस तरह के एसोसिएशन में हैं और उसके बाद में अगर आप वहां से प्रोडक्ट नहीं खरीद के दूसरे से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप उसको अमीर बना रहे होते हैं। तो ऐसे चीजों को आपको तलाश करने चाहिए कि जहां से आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको रेफरेंस भी मिल सकती है, उसमें आप बहुत बड़ा टर्नओवर करके लाखों करोड़ों रुपए भी बना सकते हैं। जनरली लगता है लोगों की ये रेफर करने से 150 रुपए आते हैं, जबकि उनको सही कॉन्सेप्ट का, सही चीजों का अंदाजा नहीं होता कि क्या ये चीज आपके लिए कर सकती है। जैसे मैं कई सालों से इस चीज को कर रहा हूं, मुझे इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। जब भी मैं कोई परचेजिंग करता हूं तो मेरा दिमाग इस तरह से काम करता है कि क्या मैं इस परचेजिंग से कोई बेनिफिट ले सकता हूं, कैसे मैं लोगों को रेफर कर सकता हूं, रेफर करने के बाद मुझे किस तरह से कमाई हो सकती है, और कमाई भी इस तरह से हो कि मुझे एक बार ही वो काम करना पड़े, बार बार वो काम नहीं करना पड़े, और धीरे धीरे मैं इस तरह से वो चीज ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करता जाऊं तो मेरे आने वाली जनरेशन के लिए भी वो अर्निंग का एक बहुत सुंदर अवसर हो सकता है। ऐसे अवसर ऑलरेडी चल रहे हैं लेकिन बहुत ही कम लोगों को इस तरह के अवसर के बारे में जानकारी है। आपको गूगल करना चाहिए, आपको जानकारी लेनी चाहिए। हमें डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म दिया गया है, उस पर आप लिख के भेज सकते हैं तो हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। अगर आप विजनरी है, समझदार है और आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, समझने के लिए तैयार है, तो हम आपको इस तरह की चीजों को डायरेक्टली बताने के लिए भी तैयार हैं। अगर जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन यह था कि क्या आप अपने खर्चे से ई कॉमर्स बिजनेस बना रहे हैं जो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और बहुत बड़ी सफलता या बहुत बड़ी आर्थिक सफलता दिलाने के लिए मदद कर सकती है, कि या आप दूसरों को ही अमीर बनाने के लिए उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज की तारीफ किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो आप खरीदारी करते हैं उससे आप बिजनेस कैसे बना सकते हैं, उसमें चीज आपको जो मदद करती है वो ई फेरल कॉमर्स। ई फेरल कॉमर्स क्या होती है, यानी देखिए, ऑनलाइन होता है, ई कॉमर्स होता है, और फेरल यानी आप रेफर करते हैं, रिकमेंड करते हैं, उन दोनों को अगर मिलाई जाती है तो ई कॉमर्स प्लस फेरल यानी या रेफर करते हैं उसको ई फेरल कॉमर्स बन जाता है। देखिए, बर्क हेजिस की जो किताब थी वो है पैराबोला पाइपलाइन। इस बुक में इस चीज़ की तरफ इशारा किया गया था कि कैसे आप वेबसाइट से ऑनलाइन परचेजिंग करके उससे बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, या अपना एक बिजनेस नेटवर्क बना के, एक पाइपलाइन बना के आप अर्निंग का एक परमानेंट जरिया कर सकते हैं जहाँ से आप वो कंटिन्यू पाइपलाइन के जैसे पैसा आता रहे। पैराबोला पाइपलाइन बाय बर्क हेजिस, इसका भी हमने जो शिक्षा है लर्निंग का वीडियो बनाया है,
आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से इस बुक का जो रिव्यू है, जो वीडियो है, जो एजुकेशन है वो आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और साथ में इस बुक को परचेज करने का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ होती है कि जब भी देखिए आप जो ई फेरल कॉमर्स होता है, जो रेफरल होता है, जो गाइड इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है जो हमने आपको बताया, वो टेक्नोलॉजी या जो भी चीज़ आती है जो हम आपका समय बचा सकती है उसको हमेशा स्वागत करती है, जबकि जो पारंपरिक कंपनियां होती है वो टेक्नोलॉजी का हमेशा विरोध करती है, वो जल्दी से अडॉप्ट नहीं करती, उसके हिसाब से काम नहीं करती। ऐसा क्यों होता है? ई फेरल जो कॉमर्स होता है, जो गाइड इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, रिकमेंडेड ई कॉमर्स होता है, वो हमेशा नई नई चीज़ें करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। उसमें अलग अलग लोगों का दिमाग लगता है, अलग अलग तरीके की उसमें आइडिया रखने वाले लोग शामिल होते हैं, तो वो सभी मिलकर उस चीज़ को नवाचार देने के लिए तैयार रहते हैं, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। वो हमेशा चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ आए जिससे उनका समय बचे और उस बचे हुए समय में वो अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर पाएँ, और साथ में उसके बाद में जो एक लेवल के बाद में उस जो जो आनंद है, जो पैसा है, जो उसको इंजॉय कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल जीवन जी सकते हैं। देखिए ई फेरल कॉमर्स का कैसे जो दबदबा है वो बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है कि जो ई कॉमर्स था उसके साथ दो बड़ी चैलेंज थे। पहला चैलेंज तो उसको जो कस्टमर है उसको रिटेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा छूट या डिस्काउंट देना पड़ रहा था, या बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। दूसरा जो था वो था कि उन्हें मुनाफा कमाना था। आप देखिए कि एक वेबसाइट है जो पर्टिकुलर सामान सेल करती है, थोड़े दिनों में दूसरी वेबसाइट आती है वो उससे और ज़्यादा डिस्काउंट देती है, क्योंकि जो नई कंपनी आती है उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, वो अपने मार्केट को पकड़ना चाहती है, मार्केट में ग्रैब करना चाहती है, इसलिए वो डिस्काउंट देती है, ऑफर लेके आती है। लेकिन इसी भागदौड़ के चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में वो मुनाफा नहीं कमा पाते और थोड़े दिनों में बाद में वो घाटे में जाते हैं और बंद करना पड़ता है उन सिस्टम को। तो इस तरह से जो ई कॉमर्स है, जो ट्रेडिशनल तो नहीं बोल सकते हम, पुराने जो ई कॉमर्स जो कॉन्सेप्ट है उसमें मुनाफा कमाने के लिए और ग्राहक को मेंटेन करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन जो ई फेरल कॉमर्स होता है उसमें इन चीज़ों का समाधान हो जाता है। वो किस तरह होता है कि आप अगर वहाँ से परचेजिंग कर रहे हैं और आपको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, वो लगातार डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप एक कंपनी से, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से परचेज करेंगे। दूसरा, वहाँ से आपको परचेज करने में कुछ लॉयल्टी पॉइंट मिलते हैं, कुछ बेनिफिट मिलते हैं, और तीसरा, आप उस चीज़ को रेफर करते हैं तो आपको फिर अर्निंग करने का मौका मिलता है, तो आप वहाँ से कंटिन्यू परचेज करेंगे, क्योंकि आप वहाँ पर रेफर करने पर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरह से ई फेरल जो कॉमर्स है उसका कारोबार बढ़ रहा है। मुनाफा जो कंपनी है वो कैसे कमाती है? कि कस्टमर अगर कंटिन्यू रहेगा, कस्टमर अगर कंटिन्यू परचेज करेगा, तो वो कंपनी जो वेबसाइट है या जो जो उत्पादक है वो हमेशा पैसा कमाएगा। तो इस तरह से जो ई कॉमर्स था उसको रिप्लेस कर रही है धीरे धीरे से ई फेरल जो कंपनियां हैं, जो रिकमेंडेड कंपनियां हैं, रिकमेंडेड कॉमर्स है, या गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप की जो कंपनियां हैं, या कई मामलों में आपने सुना होगा डायरेक्ट सेलिंग का नाम, तो डायरेक्ट सेलिंग भी इसी का एक मॉडल है जो आपको कोई भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, सेल करने के लिए आपको रेवेन्यू देता है। उसी के साथ में आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे हासिल कर सकते हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं। जब आप रेफर करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, तो बहुत सारे तो आपके कंज्यूमर होते हैं जो आपके बताने से प्रोडक्ट लेते हैं। हो सकता है आपको एक बार मेहनत करनी पड़े उनको कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज समझाने के लिए, लेकिन बार बार उनको रिक्वायरमेंट होगी, आपने उनको चीज़ समझा दी है, अगर वो बार बार रिक्वायरमेंट होगी तो बार बार वो परचेज करते रहेंगे। एक तो कस्टमर होता है, इससे आपको बेनिफिट मिलता है। दूसरा होता है आपके जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर, आपके जैसे ही बिजनेस पार्टनर जो ऐसे ही अपने कस्टमर बनाना चाहते हैं, ऐसे ही अपनी टीम बनाना चाहते हैं, उसको आप ट्रेन कर सकते हैं और उनको एक वेबसाइट के द्वारा अटैच कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए, आपने सुना भी होगा बहुत बार कि आप दो लोगों को ये चीज़ रेफर करते हैं, तीन लोगों को, चार लोगों को, पांच लोगों को, दस लोगों को रेफर करते हैं, और सभी ये कस्टमर ज्वाइन करते हैं, वो अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज यहाँ से परचेज करते हैं। उसमें से मान लीजिए आपने कि दो लोगों को ये चीज़ समझाती है, बाकी आठ लोग सिर्फ कस्टमर बनना चाहते हैं और दो लोग चाहते हैं कि वो भी आपके जैसे बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करें, तो वो अपने लोगों को रेफर करते हैं। तो दो लोग अगर दो दो लोगों को भी रेफर करते हैं कि ये प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, यहाँ पे आपको परचेज करनी चाहिए, कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना, ऑलरेडी आप मॉल से या ऑनलाइन वेबसाइट से खरीद रहे थे, बस वही पैसा देना है, और उसमें भी आपको कुछ ना कुछ बचत होगी, उसमें भी आपको क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो दो लोगों को अगर आप और रेफर करने के लिए देते हैं, तो दो अगर दो दो लोगों करते हैं तो आपके पास चार प्लस दो पहले से थे छः, और आप सात लोगों की टीम होती है, और सात लोग अगर फिर दो दो लोगों को ये बिजनेस प्रोग्राम में शामिल करते हैं, रेफरल मार्केटिंग में शामिल करते हैं, तो आपका बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। उसमें टेक्नोलॉजी आपकी मदद करती है, सोशल मीडिया आपकी मदद करता है, सोशल मीडिया पर भी आप चीज़ों को रेफर कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी आप लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी अपनी टीम में बना सकते हैं, तो इस तरह से सोशल मीडिया भी आपकी मदद कर सकता है। तो ओवरऑल मिला के आप ई कॉमर्स का फायदा, ई कॉमर्स का जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का बेनिफिट है वो ले सकते हैं।
सकते हैं ई फेरल मार्केटिंग के द्वारा या रेफरल मार्केटिंग के द्वारा जुड़ के। तो इस तरह से हमने जाना कि प्रोज्यूमर पावर का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोज्यूमर पावर से कैसे आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। साथ में आप परचेज कर सकते हैं और इन बाकी जो बुक मैंने बताई उनका वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा, प्रोज्यूमर पावर, उसके बाद मैंने बताया घरेलू स्वर्ण, हाउस होल्ड गोल्ड। ये बहुत शानदार बुक है कि कैसे आप अपने घर में जो खर्चा है, जो चीज़ें, उससे बहुत बड़ा पैसा बना सकते। इसका वीडियो भी है और इसका परचेज करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और जो एक बुक और थी वो है पैराबल ऑफ पाइपलाइन बर्केजेज। ये देखा जाए तो तीनों बुक एक दूसरे की जैसी है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, लेकिन हर का कॉन्सेप्ट हर अलग तरीके से समझाती है और हर में एक अलग तरीके की जानकारी है। तो तीनों बुक का रिव्यू आप देखिए और जानकारी लीजिए और इन बुकों के जो अनुभव है, जो शिक्षा है, अपने जीवन में आजमाइए और अपने शॉपिंग को अमीर बनने के लिए इस्तेमाल कीजिए, न कि गरीब बनने के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह से ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हमारे अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हमें फॉलो कीजिए। आपको हमारे से कनेक्ट होने का जो फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से वो फॉर्म भर दीजिए, हम आपको पर्सनली कनेक्ट होंगे, हम आपको बहुत सारी और भी सुविधाएं देने वाले हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को क्लिक करके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।